गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन। इसके पहले हम लोगों ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, मींस एमएस वर्ड का यूज उसमें भी था और अब डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन में भी हमारे एमएस वर्ड का ही यूज होगा। ओके, तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोगों ने क्या देखा था एमएस वर्ड में, कि वर्ड को कैसे स्टाइल देना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसमें कलर कैसे ऐड करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन प्लस एमएस वर्ड के विंडो के बारे में देखा था। तो आज हम आगे का देखते हैं, डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन, मींस ये भी हमारे एमएस वर्ड का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पैराग्राफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कॉलम क्या होता है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं एमएस वर्ड में वो सीखेंगे, फिर ड्रॉप कैप का यूज़ क्या है और कैसे यूज़ होता है, फिर टैब का यूज कब, कहाँ और किस तरह से होता है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद टेबल, और टेबल के बाद आएगा हमारा पेज सेटअप, यानी कि पेज की सेटिंग हम कैसे करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज का हम पहले देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन का पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ लेटर। तो पहली बात तो लेटर लिखने के अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। पहली बात तो लेटर कितने प्रकार के हैं, तो ऐसे तो लेटर के 6 फॉर्मेट हैं, लेकिन लेटर 2 प्रकार के आते हैं, जैसे एक बिजनेस लेटर होता है और दूसरा क्या होता है हमारा फैमिली लेटर। अभी बिजनेस लेटर क्या होता है, आप लोगों को कहीं बाहर कोई काम करना, कोई बिजनेस से रिलेटेड हुआ, स्कूल से रिलेटेड हुआ, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आप लोगों को कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई कंप्लेन लेटर लिखना, मतलब किसी भी प्रकार का लेटर लिखना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस लेटर। यानी कि जो लेटर हम स्कूल में देना हो, गवर्नमेंट ऑफिस में देना हो, या तो बाहर किसी काम से देना हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, बिजनेस लेटर। उसके बाद सेकंड आता है हमारा फैमिली लेटर। अभी फैमिली लेटर क्या होता है, फैमिली लेटर यानी नाम से ही पता चल रहा है, जो लेटर हम अपने फैमिली को लिखते हैं, मम्मी पापा दादा दादी जो भी आप लोगों के फैमिली मेम्बर हैं उनको हम जो लेटर लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, फैमिली लेटर कहलाएगा। ओके, अभी लेटर लिखने के लिए टोटल कितने फॉर्मेट होते हैं, हमारे पास 6 फॉर्मेट होते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 फॉर्मेट देखेंगे, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और फुल ब्लॉक फॉर्मेट। ओके, ध्यान देना, लेटर लिखने के टोटल 6 फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पे हम 2 देखेंगे, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और फुल ब्लॉक फॉर्मेट। यानी कि सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लेटर किस तरह से लिखा जाता है और फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लेटर किस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो अभी फुल ब्लॉक फॉर्मेट और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट देखते हैं कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लेटर कैसे लिखा जाता है और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लेटर किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट का लेटर कैसा होता है, जैसे आप लोग नॉर्मली लिखते हो, अभी तक सेमी ब्लॉक फॉर्मेट लेटर का फॉर्मेट हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जो हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं, मीन्स जब भी आप लोग लिखोगे सबसे पहले जो हमारा नाम और एड्रेस होता है, नाम एड्रेस डेट हुआ, वो हम सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में पेज की किस साइड लिखते हैं, तो राइट साइड, यानी कि पेज की राइट साइड हम क्या करेंगे, अपना नाम एड्रेस डेट ये लिखते हैं। सेकंड आते हैं हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपका टॉपिक क्या है, मीन्स आप लेटर लिख क्यों रहे हो, छुट्टी लेने के लिए लिख रहे हो या कोई कंप्लेन कर रहे हो, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम सब्जेक्ट में ऐड करते हैं। तो जो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में सब्जेक्ट का लाइन होता है वो पेज के मिडल में लिखा जाता है, यानी कि पेज के बीचों बीच लिखा जाता है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। इसमें क्या रहता है, लेटर में आप लोगों को क्या लिखना है वो चीज़ें हम किस तरह से लिखते हैं, तो वो सबको पता है कि पेज में लेफ्ट साइड, और वो भी कंटेंट स्टार्ट कैसे होगा, पैराग्राफ के साथ, यानी कि पहली लाइन में थोड़ा सा पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ छोड़ के मार्जिन के साथ उसको लिखा जाता है। और उसके बाद आता है हमारा लेटर का कंक्लूजन, यानी कि जो फैक्टफुली डियर सर, सॉरी जो फैक्टफुली लिखते हैं ना, योर स्टूडेंट, योर मदर, जो भी है,
तो वो हमारे पेज के किस साइड लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। तो ये है हमारा सेमी ब्लॉक फॉर्मेट जो कि हम नॉर्मली लेटर में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फुल ब्लॉक फॉर्मेट। फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ज़्यादातर बिजनेस हुए हैं, बिजनेस लेटर के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसमें क्या रहता है, आपका नाम, एड्रेस, कंक्लूजन प्लस सब्जेक्ट, सारी चीज़ें हम पेज के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। यानी कि आपके नाम, एड्रेस, सब कुछ हम पेज के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड में ही एंड करते हैं। इतना ध्यान रखना, जो भी लिखना शुरू करेंगे हम पेज के लेफ्ट साइड से करेंगे, ओके। तो ये हुआ हमारा सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और फुल ब्लॉक फॉर्मेट। अब इससे रिलेटेड वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, बट वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। और दूसरा, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और फुल ब्लॉक फॉर्मेट के एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वीडियो में दे दूंगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।